मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और मेरे पापा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक 9 to 5 के जॉब में स्ट्रगल करते आ रहे हैं। बेसिकली अ मिडिल क्लास फैमिली, और हर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, चाहे वो स्टडीज हो या कोई भी एक्टिविटी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एन अचीवमेंट। 2017, 3 साल पहले ठीक इसी टाइम मैंने अपने 12th बोर्ड्स का एग्जाम दिया था। ऑफ कोर्स इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बट उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया एक्सेप्ट माय रिजल्ट्स। मेरे 12th के रिजल्ट्स का एक अलग ही कहानी है, एंड आल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन जो उससे पहले शायद मैंने नहीं एक्सपीरियंस करा था। इट वॉज वन ऑफ दोज चाइल्डहुड फेजेस जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट असर छोड़ जाता है तुम्हारे ओवरऑल मेंटेलिटी पे, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज इन दिस वीडियो। बस कुछ मिनट्स रह गए थे रिजल्ट्स पब्लिश होने में, टेंशन के मारे ऑलरेडी एक जगह स्टेबल बैठा नहीं जा रहा था, नजरें पूरी तरह तैनात थी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने में एक दूर का रिश्तेदार या कजन फोन के सामने कुल्ले टिका के बैठा था मार्क्स पूछने के लिए। सिर्फ एक बटन दबाते ही पापा की दी हुई महंगी स्कूल फीस, मम्मी की नॉनस्टॉप भगवान से की हुई प्रार्थना और मेरी 3 महीने की मेहनत, इन सब का रिजल्ट सामने था। मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये फेल वेल किया होगा बोर्ड्स में। वेल, आई स्कोर्ड 82% इन एग्रीगेट, फेयर एनफ राइट? मे बी मैं इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता था, और ऊपर से ना मैंने कोई स्पेशल कोचिंग ली थी और ना ही किसी तरीके का चीटिंग किया था। सो आई गेव माई बेस्ट एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विथ माई मार्क्स। मैं उस टाइम चाहता तो चीखता चिल्लाता, अपने स्कूल लाइफ के एंड को सेलिब्रेट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली किसी रेस्टोरेंट में जाता, लेकिन बैक ऑफ द हेड मुझे ये पता था दिस इज नॉट इनफ। सरप्राइजिंगली मेरे पापा मेरे से ज्यादा टेंशन में थे, सोसाइटी को प्लीज करने का डिजायर इतना ज्यादा था कि मेरे मार्क्स देखने के बाद ना उन्होंने मेरी तारीफ की ना ही कुछ बुरा भला बोला, और सीधा हाथ गया कैलकुलेटर के ओर परसेंटेज निकालने के लिए, एज इफ माई परसेंटेज वॉज द सोल पर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मैंने उस टाइम अपने पापा को गौर से देखा, अंदर ही अंदर शायद वो भी मेरे मार्क्स से खुश थे, लेकिन उनके ऑफिस कलीग्स की बातें एंड ब्रैगिंग अबाउट देयर किड्स हमारे बीच एक दीवार बन के खड़ी थी। मम्मी का भी कुछ ऐसा ही सीन था। मैंने उन्हें हाई स्कूल की डिग्री तो दे दी थी, लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं दे पाया जिससे वो 4 लोगों के सामने मेरी बड़ाई कर पाए। मे बी मैंने उन्हें निराश कर दिया था, या मैंने उस लेवल की मेहनत नहीं की, और मे बी इट वॉज जस्ट द सोसाइटी बगिंग ऑल ऑफ अस। आई वॉज रियली कंफ्यूज आफ्टर दैट डे। मैं मेरे 82% की खुशी मनाऊं या 90% नहीं ला पाया इस बात का दुख, बिकॉज दैट्स ऑब्वियस, माई पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग मी टू स्कोर 90% इन माई बोर्ड्स। हर स्कूल में ना 90% को एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है, इसके नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डल एवरेज जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इन शॉर्ट, फेल ना करके भी उन्हें एक फेलियर जैसा फील करवाया जाता है। टीचर्स एंड पेरेंट्स का यही नेग्लिजेंस बहुत हद तक इफेक्ट कर जाता है स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल एंड लॉन्ग रन करियर पे। जस्ट लाइक आई वॉज लैकिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट, मैं अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में फ्रेम नहीं कर पा रहा था, विच इवेंचुअली बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, बिकॉज दैट्स व्हेन आई चोज आर्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। इवन दो कुछ दिनों के अंदर ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, वक्त गुजरा, साल बीत गए, मेमोरीज धीरे धीरे धुंधले हो गए, बट उस दिन के बाद से एक चीज अपने दिल को समझ आ गई। हैप्पीनेस इज जस्ट अ परस्पेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। आउटर हैप्पीनेस, दैट इज सोसाइटी का अप्रूवल वाला ठप्पा, इज टेम्पररी, एंड इनर हैप्पीनेस, दैट इज पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, इज ऑल्सो टेम्पररी, बट एटलीस्ट इट स्टेज लॉन्गर। बहुत केसेस में हम इवन दो अंदर से खुश होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रस्पेक्टिव से अपने आप को देखने के चक्कर में हम उस खुशी को गवा देते हैं। जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं जहां किस्मत और घर वाले दोनों ही अपना साथ छोड़ देते हैं। ऐसा वक्त ना अपने घर के बाहर वाले डोरमैट जैसा होता है, जिसके ऊपर पैर रख के बस आगे बढ़ जाना ही सही है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उस डोरमैट के ऊपर खड़ा रहना ही प्रेफर करते हैं, और फिर अपने पैर गंदे होने पर बाहर के धूल एंड गंदगी को ब्लेम करते हैं। ब्लेमिंग ना एक नशे जैसा होता है, एक बार इसकी लत लग गई तो हम अपने सारे छोटी सी छोटी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए किसी ना किसी को ढूंढ ही लेते हैं। अगर उस टाइम मैं बिच करते रहता, ए हमारी सोसाइटी तो ऐसी है, पेरेंट्स वैसे है, तो शायद आज भी वही कर रहा होता। But instead, I chose to move on. In the long run, it doesn't even matter if you have scored less marks or failed at some point in your life. Until and unless you are not blaming someone for it, you are not a failure.
आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर तुम लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन फाइनेंशियली सपोर्ट मी ऑन पेट्रियॉन. पेट्रियॉन बेसिकली एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट है जहां पे बस थोड़ा सा अमाउंट पर मंथ डोनेट करके तुम मेरे चैनल की काफी मदद कर सकते हो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर पाऊं. और पेट्रियॉन ज्वाइन करते ही यू विल गेट एक्सेस टू माई प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर जहां पे तुम मेरे साथ लाइव डिस्कशन एंड इंटरेक्ट कर सकते हो. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में. सिया.